तो यदि आप भी द हिंदू न्यूज़पेपर रोज पढ़ते हैं और ऐसे ऐसे ईडियम फ्रेजेस जो है कॉपी में लिखकर बैठते हैं और डेली इनको सर्च करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इम्पोर्टेंट ईडियम फ्रेजेस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो द हिंदू में प्रचलित हैं और आपको ये पता होने चाहिए द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, ताकि जो कहा गया है एडिटर के द्वारा वो आप उसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर मैं लेता हूँ हर्ट इन योर माउथ। हर्ट इन योर माउथ का मतलब क्या होता है भाई साहब? जब आप बिल्कुल एक्साइटेड होते हैं और थोड़ा डरे हुए भी होते हैं, लाइक ऐसी सिचुएशन जब आपका एग्जाम का रिजल्ट आने को होता है तो आप वरी एक्साइटेड भी होते हैं बट आपके मन में कहीं ना कहीं थोड़ा डर भी छुपा होता है, ठीक है? तो इसलिए हार्ट इन योर माउथ का मतलब होता है मींस यू फील वेरी एक्साइटेड, वरीड और फ्राइटेड, फीलिंग वेरी नर्वस और अफ्रेड। सो इस सेंस में हम जो है हर्ट इन योर माउथ का यूज करते हैं। Our heart were in our mouths as we waited for them to announce the winner. तो इस प्रकार से आप जो है इस सेंटेंस को वाक्य में यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, like a hole in the head। देखिए इसका मतलब क्या होता है इस idiom का? भाई साहब यदि आपके पास कोई चीज बहुत ही अधिक मात्रा में है या फिर सफिशियंट मात्रा में है, यदि आप उस चीज को दोबारा से और खरीदने के लिए जाओगे तो जो चीज वो खरीद कर लेके आओगे जो आपके पास पहले से ही है तो वो जो खरीदी गई चीज आपके लिए कोई मायने नहीं रखती, मीन इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो। तो उस सिचुएशन में हम यूज करते हैं लाइक अ होल इन द हेड। एग्जांपल से समझ लीजिए, शी ऑलरेडी हैज टू मेनी शूज, शी नीड्स अनदर पेयर लाइक अ होल इन द हेड। भाई पहले से ही इतने जूते हैं उसके पास, यदि वो एक पेयर खरीद के भी लाती है तो उसका मतलब क्या है उसके लिए? लाइक अ होल इन द हेड मीन्स नीड फॉर समथिंग दैट इज नॉट यूजफुल एट ऑल। तो इस सेंस में जो है लाइक अ होल इन द हेड का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट इज विद ऑल गन ब्लेजिंग। विद ऑल गन ब्लेजिंग का मतलब होता है जब भी आप कोई कार्य करते हैं तो उसे बिल्कुल फोर्स और अपनी पूरी एनर्जी के साथ करते हैं, ठीक है? आप किसी से बहस भी करते हैं, आर्ग्यू भी करते हैं, तब भी आप मान लीजिए विद ऑल गन्स ब्लेजिंग यदि यूज करते हैं मीन्स आप आर्ग्यू भी कर रहे हैं तो पूरा फोर्स और एनर्जी के साथ, मीन्स विद अ ग्रेट बट रेकलेस डिटर्मिनेशन एंड एनर्जी। आई वेंट into the meeting with gun blazing, determined not to let him win. पूरे अपनी जो है जोरों शोरों के साथ मैं अपना मीटिंग में गया था इस डिटर्मिनेशन पक्के इरादे के साथ कि उसे जीतने नहीं दूंगा। तो इस सेंस में आप जो है विद ऑल गन ब्लेजिंग का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, रेन ऑन समवन्स पैरेड। भाई साहब यदि ये ऐसे लोगों के लिए यूज किया जाता है जो खुद तो मजे ले नहीं सकते और दूसरों को भी मजे लेने नहीं देते, तो इसीलिए रेन ऑन समवन्स पैरेड का मतलब होता है कि प्रिवेंट समवन फ्रॉम एंजॉयिंग एन इवेंट, यानी आप किसी व्यक्ति को किसी इवेंट का मजा लेने से रोक रहे हैं, मींस स्पॉइल समवन्स प्लान। और इसका मतलब ये भी होता है आप किसी के प्लान को भी क्रिटिसाइज करते हैं तो उसका ये मीनिंग भी होता है कि किसी के प्लान को क्रिटिसाइज करना, उस सेंस में भी हम जो है रेन ऑन समवन्स पैरेड का यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल से समझ लीजिए, आई हेट टू रेन ऑन यूर परेड बट लॉट्स ऑफ पीपल हैव ट्राइड द स्ट्रेटेजी एंड इट हैजंट वर्क येट। वैसा मैं आपके जो है प्लान को क्रिटिसाइज तो नहीं करना चाहता बट जो है बहुत सारे पीपल जो है इस स्ट्रेटेजी को अपना चुके हैं बट कोई काम नहीं आई है स्ट्रेटेजी, ठीक है? तो इस सेंस में आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है वॉक अ टाइट रोप। भाई साहब यदि आप रस्सी पे चलते हैं तो रस्सी पे चलना देखिए कितना मुश्किल काम होता है, ठीक है? लेफ्ट भी गिर सकते हैं, राइट भी गिर सकते हैं, तो ऐसे में एक आपको जो है पूरा केयरफुल रहना होता है रस्सी पर चलने के लिए, यानी कि एकाग्रता अपने माइंड को चाहिए आपको। यंस तो यहां पर मतलब निकल कर आता है वॉक अ टाइट रोप का कि एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको बहुत ही केयरफुली काम करना पड़ता है वो होता है वॉक अ टाइट रोप। एग्जांपल से समझ आ जाएगा, मैनी मैन्युफैक्चरर्स हैव टू वॉक अ टाइट रोप बिटवीन प्राइसिंग देयर गुड्स टू हाई एंड नॉट सेलिंग देम एंड प्राइसिंग देम लो एंड लूजिंग मनी। तो ये जो है मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या है एक वॉक अ टाइट रोप, व्हाट प्राइसिंग देयर गुड टू हाई, ज्यादा दाम पे बेचें तो बिकेगी नहीं, कम पे बेचें तो क्या होगा लॉस होगा। चलिए नेक्स्ट है लेट वन ईयर डाउन का मतलब होता है बिल्कुल पगला जाना, बिल्कुल हवा बोलते हैं ना जैसे आप डांस करते हैं डिस्को में पूरा अपना बाल खिंडा के मस्ती से फन मजे करते हैं तो सेंस में हम यूज करते हैं लेट वन ईयर डाउन। भाई साहब means to allow yourself to behave much more freely than usual and enjoy yourself, ये बनता है इसका मतलब। So example की मैं बात करूं, let your hair down and just have some fun, so have a good time, enjoy oneself, make merry, so these all are meaning of let one's hair down। next है आपका pin one's hopes on।
भाई साहब, जिस पे आपकी आस टिकी होती है, ठीक है, जिस पे आप होप लगाए बैठे होते हैं, उसके उस सेंस में हम यूज करते हैं। लाइक यदि आपकी कोई प्रमोशन होनी है, ठीक है, आपको पता है कि आपकी प्रमोशन होनी है, आप आस लगाए बैठे हैं, ठीक है, उस सेंस में हम यूज करते हैं। मीन्स हैव कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट इन समवन, किसी में आपको, किसी पर आपका कॉन्फिडेंस है, ट्रस्ट है कि आपकी जो है प्रमोशन हो जाएगी या मैं पास हो जाऊंगा, ठीक है, मुझे जॉब मिल जाएगी, तो इस तरह की जो होप्स होती हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं पिन वन्स होप्स ऑन। शी हैड पिन्ड हर होप्स ऑन एन अर्ली एक्सेप्टेंस टू द कॉलेज, बट इट डिडंट मटेरियलाइज। Like I had pinned my faith on this promotion, so I was crushed when I didn't get it. तो इस तरह से आप जो है वाक्य में pin one's hopes on को use कर सकते हैं। Next है cut someone's slack। देखिए, आप जानते हैं कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, कभी कभी जो है छोटी छोटी दिक्कतें आ जाती हैं लाइफ में, जिसकी वजह से, मान लीजिए आपकी वाइफ प्रेगनेंट है, सिंपल सी बात मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, तो आप जो है उसकी वजह से थोड़ा घर पे काम होता है और आप लेट भी जाते हैं, ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, जो बॉस होता है, ठीक है, वो कहता है भाई इसको थोड़ा सा फ्रीडम दीजिए, इसकी जो है घर में जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम चला हुआ है कि इनकी वाइफ प्रेग्नेंट है। बॉस को पता है, बट वो आपको क्या करता है, इग्नोर कर देता है। मींस इसको हम बोलते हैं कि आपको थोड़ा सा क्या किया, फ्रीडम किया गया, गिव एडिशनल फ्रीडम टू समवन, आप इसको, इसका मतलब निकल के आता है कट समवन स्लैक का। और सेंटेंस की मैं बात कर लेते हैं, आई वॉज रियली बिजी लास्ट वीक And couldn't finish the report. मैं बहुत बिजी था पिछले हफ्ते, जो जिसकी वजह से मैं अपनी रिपोर्ट पूरी नहीं कर सकता, कर सका। So cut me some slack. मुझे जो है थोड़ी सी मोहलत दीजिए या फिर थोड़ी सी फ्रीडम दीजिए, आई विल डू इट टमोरो, मैं इसको क्या कर लूंगा, कल तक खत्म कर लूंगा। समझ आई, ठीक है, तो इस सेंस में हम जो है कट समवन स्लैक का यूज करते हैं। नेक्स्ट है वंस बिटन ट्वाइस शाय, भाई दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो कुछ ऐसा ही मतलब इसका भी निकल कर आता है। भाई सब, एक काम यदि आप कोई पहले कर लेते हैं और उसका एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत ही हॉरिबल होता है, तो दोबारा उस काम को करने से पहले आप क्या करोगे, डरोगे, तो इसलिए इस सेंस में इसको यूज किया जाता है। वंस बिटन ट्वाइस शाय मींस व्हेन यू आर फ्राइटेंड टू डू समथिंग अगेन बिकॉज यू हैड एन अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस डूइंग इट फर्स्ट टाइम। पहला प्यार हुआ और पहले प्यार में ही धोखा मिल गया, तो दोबारा प्यार करने से आप क्या करोगे, थोड़ा सोचोगे पहले। सेंस माई लिटिल इफ यू फॉल इन लव विद समवन एंड दैट समवन रिजेक्ट और हर्ट्स यू Once bitten, you may be very, very reluctant, twice shy to let yourself fall in love again. Next है state of the art का मतलब होता है भाई सब, किसी latest ideas को use करना, latest method को use करना, latest technology को use करना, very modern in using the most recent ideas and method. Like हमारा कोई smartphone ले लीजिए आजकल, जिसमें जो है पहले pattern lock होता था, कीपैड लॉक होता था, फिर पैटर्न लॉक हुआ, और आजकल जो है फेस लॉक आईडी हो रहा है। तो ये क्या है सारी, ये स्टेट ऑफ द आर्ट मींस वेरी मॉडर्न एंड यूजिंग द मोस्ट रिसेंट आइडियाज एंड मेथड। द कंट्रोल पैनल यूज्ड ऑल द लेटेस्ट न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी इज कंसिडर्ड स्टेट ऑफ द आर्ट। तो इस सेंस में आप जो है इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट है आपका कम एट अ प्राइस का मतलब होता है भाई, कोई भी आपको सफलता मिलती है तो वो किसी प्राइस पर मिलती है। मीन्स आपको कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता है भाई, पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा, ठीक है। ये यहाँ पर स्केटबोर्ड का एग्जांपल लिखा हुआ है, यदि आप स्केटबोर्ड करना सीखते हो और एक आप जंप लगाते हो अच्छी सी, ठीक है, आपने जंप तो लगा ली, बट जब आप लैंड किए तो आपकी जो है दो पैर की हड्डियां टूट गई। मीन्स आपने जो है सक्सेस तो मिल गया स्केटबोर्ड जंपिंग में, बट उसका प्राइस आपको चुकाना पड़ा आपकी दोनों टांगों की हड्डियां तड़वा कर। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कम एट अ प्राइस का मतलब होता है टू हैव अनप्लीजेंट नेगेटिव रिजल्ट्स। सो आई गॉट द प्रमोशन बट इट केम एट अ प्राइस एज माय रूथलेस बिहेवियर एलिनेटेड लॉट ऑफ पीपल। भाई यदि आप बॉस हैं, ठीक है, आप जानते हैं कि आपको जो है स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा, ठीक है, तो काम करवाते हैं दबा के एम्प्लॉय से, प्रमोशन भी मिल जाता है, बट जो सिचुएशन आपने क्रिएट करके ऑफिस में, उसकी वजह से जो एम्प्लॉयज होते हैं वो आपसे कट जाते हैं। तो ऐसे भी सेंस में भी हम इसको यूज करते हैं कम एट अ प्राइस। नेक्स्ट इज हार्क बैक टू। हार्क बैक टू का मतलब भाई आपने कई बार ऐसे बुड्ढे मिल जाते हैं या फिर बुजुर्ग मिल जाते हैं जो कहते बोलते रहते हैं कि हमारे समय में ऐसा होता था, हमारे समय में ऐसा होता था। मीन्स एक ही बात को बार बार बोलते रहते हैं, जिससे सामने वाले का जो है दिमाग भ्रष्ट खत्म हो जाता है, डेड हो जाता है। मीन्स आपको एनोय, परेशानी हो जाती है, तो उस सेंस में हम यूज करते हैं। तो इसका मतलब निकल कर आता है इफ समवन हार्क
back to something in the past, they talk about it again and again, often in a way that annoys other people. जो दूसरों क्या करता है, परेशान करता है. He always harking back to his childhood and saying how things were better then. भाई अपने बचपन में की बातें सुनाता रहता है कि हमारे समय में जो है ऐसी सारी चीजें कितनी अच्छी थी, आजकल ये हो गया, आजकल वो हो गया है. तो ये क्या करते हैं, annoy करते हैं दूसरे people को. नेक्स्ट इज डॉग ईट डॉग. डॉग ईट डॉग बहुत ही अच्छा idiom है. इसका मतलब है वेरी, आप कह लीजिए बहुत ही कम्पिटिटिव आजकल का जमाना हो गया है. आप देख लीजिए हर एक चीज में कितना कंपटीशन है. ठीक है, हर एक व्यक्ति चाहता है सक्सेस. ठीक है, सो वेरी कंपिटिटिव वर्ल्ड, डू एनीथिंग टू बी सक्सेसफुल मीन्स आज के जो जमाना है सबको सक्सेस चाहिए, चाहे किसी भी कीमत पर. तो यहां पर मैं इसका एग्जाम्पल यदि मैं बात करें, द ओनली रूल ऑफ मार्केट प्लेस वॉज डॉग इट डॉग. नेक्स्ट इज हेड अबव वाटर. देखिए जब आप पानी में गिर जाते हैं तो आपकी पहली जो प्रायोरिटी होती है वो है सांस लेने की. मीन्स आपको तैरना नहीं आता तो आप डिफिकल्ट सिचुएशन में हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना सिर पानी के ऊपर रखने की, यानी कि सांस लेने की. तो ऐसा ही कुछ मतलब निकल कर आता है हेड अबव वाटर का, टू जस्ट बी एबल टू मैनेज, स्पेशली वेन यू हैव अ फाइनेंशियल डिफिकल्टी. सो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में जब आप सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं, मैनेज करने की कोशिश करते हैं, तो सेंस में हम हेड अबव वाटर का यूज करते हैं. द बिजनेस इज इन ट्रबल बट वी आर जस्ट अबाउट कीपिंग अवर हेड्स अबव वाटर. नेक्स्ट इज बी ग्लैड टू सी बैक ऑफ. भाई साहब जब आप किसी को जो है अपने घर से जाता देखते हैं, कोई अतिथि ज्यादा दिन के लिए रुका हुआ था या फिर कोई दोस्त रूम पे ज्यादा दिन के लिए रुका हुआ था, तो आपकी खुशी महसूस होती है. लाइक एग्जांपल यदि मैं दूं, यदि आप अपनी बीवी के साथ जो है बड़ी सिटी में रह रहे हैं और आपकी जो है सासू माँ आ जाती है तो काफी 5-6 दिन रहती है, और जब वो जाती है तो आप जो है पीछे से प्रणाम करते हैं, जाओ सासू माँ, बहुत खुशी हुई. तो इस सेंस में हम यूज करते हैं बी ग्लैड टू सी बैक ऑफ का मतलब यहाँ पर निकल कर आता है टू बी ग्लैड टू गेट रिड ऑफ समवन, टू बी ग्लैड व्हेन समवन हैज left. Okay, after his mother-in-law stayed for 2 weeks, he was glad to see the back of her. तो इस सेंस में आप जो है इस idiom को यूज कर सकते हैं. So next is not playing with full deck का मतलब यहाँ पर निकल कर आता है, एक ऐसे व्यक्ति के लिए यूज करते हैं जो मेंटली रिटार्डेड होता है या फिर जिसमें इंटेलिजेंस की कमी होती है. क्लियर, तो उस सेंस में हम इसका यूज करते हैं. ये इसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आपको मतलब समझ ही आ गया है. ठीक है, इससे सेंटेंस में आप यूज कर, लाइक यहाँ पर सेंटेंस देखिए, लुक एट दैट गाय टॉकिंग टू हिमसेल्फ, खुद से ही बातें कर रहा है ऑन द कॉर्नर. आई रिकॉन ही इज नॉट प्लेइंग विद अ फुल डेक, वो क्या है, मेंटली डिफिशियंट है. नेक्स्ट इज लेट समवन ऑफ द हुक. लेट समवन ऑफ द हुक का मतलब होता है भाई साहब आपने किसी पड़ोसन को जो है किसी लड़के के साथ घूमते हुए देख लिया. ठीक है, तो आप भी क्या देते हैं, अरे छोड़ो नहीं बताएंगे हम आपके पापा को आपके, आप किसी लड़के के साथ घूम रहे थे. मीन्स यदि मैं सेंस की बात करूं तो यहां से मीनिंग निकल कर आता है कि टू अलाउ समवन हु हैज बीन कॉट डूइंग समथिंग रॉन्ग और इलीगल टू गो विदाउट बीइंग पुनिश्ड. भाई नहीं बताएंगे आपके पापा को, जाइए. ठीक है, तो आप किसी को जो है कोई गलत काम करते पकड़ लेते हैं, इलीगल काम करते पकड़ लेते हैं, बट उसको बिना जो है सजा दिए, विदाउट बीइंग पुनिश्ड, उसको क्या कर देते हैं, फ्री. So he had told a lie to get off the hook in a debate. इस सेंस में आप जो है इस idiom का यूज कर सकते हैं. To be snowed under, भाई सब काम के बोझ तले इतना दब गए हैं कि माइंड बिल्कुल डेड हो चुका है, शरीर बिल्कुल जवाब दे चुका है. मीन्स जब आपके पास बहुत ज्यादा काम होता है और आप बहुत ही ज्यादा काम में बिजी हो जाते हैं, तो उस सेंस में हम यूज करते हैं टू बी स्नोड अंडर. मीन्स जैसे स्नोड अंडर यानी कि बर्फ के नीचे दब गए, जब बर्फ के नीचे दब गए तो कुछ कर ही नहीं सकते आप. ठीक है, तो इस सेंस में इसका मतलब निकल कर आता है टू बी वेरी बिजी बिकॉज ऑफ हैविंग टू मच वर्क एट वर्क टू कंप्लीट. बहुत सारा काम अभी आपको करना है. सो I'm sorry, I won't be able to finish the report today because I'm snowed under with the end of year's fiscal report. Okay, so next is cat got your tongue. भाई साहब मुंह में दही जम गया क्या, बोल क्यों नहीं रहे. देखिए आप किसी व्यक्ति से कुछ भी पूछते हैं और अगले वाला कोई जवाब ही नहीं देता, तो ऐसे में आप जो है परेशान हो जाते हैं. ठीक है, तो ऐसे में आप फिर उसको कुछ कुछ बोलने लगते हैं. तो इस सेंस में इसका मतलब निकल कर आता है when a person is at loss of words. Something you say to someone, आप कुछ कहते हैं when you are annoyed, जब आप परेशान हो जाते हैं because they will not speak, वो बोलते नहीं है. ठीक है, तो इस सेंस में हम यूज करते हैं what's the matter, has the cat got your tongue. तो इस सेंस में आप इसको यूज करेंगे. wasn't born yesterday, भाई हम कल ही थोड़ी ना पैदा हुए हैं. मीन्स इसकी सेंस ऐसे समझिए आप कि
आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई उसी काम के प्रति आपको एडवाइस देता है, तो आप क्या करते हो, एनोए परेशानी फील करते हो। क्लियर, आपको पता है कि आपको क्या कर रहे हैं, बट फिर भी आपको एडवाइजेज मिलती हैं उसके प्रति। लाइक अ फ्रेज मीनिंग, इसका मतलब होता है ऑफन यूज सार्केस्टिकली, आई अप्रिशिएट इट बट प्लीज स्टॉप गिविंग मी एडवाइस, आई नो व्हाट आई एम डूइंग। ओके, सो एग्जाम्पल जैसे कि मदर एड्रियन गो टेक अ शावर देन डू योर होमवर्क, नॉट द अदर वे अराउंड। एंड्रियन कहता है मोम आई वाजंट बोर्न यस्टरडे, आई विल टेक अ शॉवर व्हेन आई फील इट्स अप्रोप्रिएट, भाई मैं नहा लूंगा जब मेरे को अच्छा लगेगा। ठीक है, बिसाइड्स इसके अलावा आई हैव दिस पेपर टू फिनिश राइटिंग फॉर टुमारो। ठीक है, गेट डक्स इन अ रो, गेट डक्स इन अ रो का मतलब क्या होता है भाई, जब आप पूरी तैयारियां कर कर बैठे होते हैं, मान ली कि कोई आपको प्रोडक्ट लॉन्च करना है, ठीक है, तो उसकी तैयारियां आप पहले से करके बैठे हैं, बस आपने डेट रख रखी है, उस डेट का आपको इंतजार है, हमारी सारी जो है अरेंजमेंट पहले से ही वेल ऑर्गेनाइज हैं, और तो यहाँ पर इस सेंस में आपका मतलब निकल कर आता है गेटिंग योर थिंग्स वेल ऑर्गेनाइज्ड, दे शुड हैव हैड देयर डक्स इन अ रो बिफोर हैंड सो दे वर रेडी टू स्टार्ट द जॉब व्हेन रिक्वायर्ड। जंप द बैंड वेगन, जंप द बैंड वेगन का मतलब क्या होता है भाई, कोई भी एक कैलेजन एक ट्रेंड चल जाता है और लोग उसको ही फॉलो करना लग जाते हैं। लाइक किसी नेता ने, यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ, जैसे किसी नेता ने वादा कर दिया कि भाई अगर मैं सत्ता में आया तो मैं टैक्स कम कर दूंगा और जनता उसको वोट डाल देती है, ठीक है, वो टैक्स टूक्स तो कम करता नहीं, बट अल्टीमेट रिजल्ट ये होता है कि वो इलेक्शन जीत जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, एक ट्रेंड सा चल जाता है ये कि हम भी टैक्स कम कर देंगे भाई साहब, ठीक है, हमें भी वोट दीजिए। क्लियर, तो इसे इस सेंस में हम यूज करते हैं जंप द बैंड वेगन, मींस टू ज्वाइन एन एक्टिविटी दैट हैज बिकम वेरी पॉपुलर और टू चेंज योर ओपिनियन टू वन दैट हैज बिकम वेरी पॉपुलर सो दैट यू कैन शेयर इट इन इट्स सक्सेस। जैसे कि पबजी है, पबजी गेम कितना सक्सेसफुल हो गया है, ठीक है, हर कोई चाहता है कि मैं भी पबजी खेलूं, ठीक है, तो इस सेंस में आप यूज करते हैं जंप जंप द बैंड वेगन। समवन वुडन बी कॉट डेड, समवन वुडन कॉट डेड मतलब क्या होता है, वुड नेवर डू समथिंग, भाई कोई काम आपको पसंद ही नहीं, आपको एम्बैरेसिंग फील होता है उस काम को करने में, उसके उस सेंस में हम यूज करते हैं समवन वुडन बी कॉट डेड। अब कोई जूता आपसे बोले, जैसे 1960 के टाइम में जो है पेंट कमीज डालते थे, कोई आपको बोले भी शादी में ये पेंट कमीज डाल के रहो, आप जाओगे क्या? नहीं जाओगे, ठीक है। सो आई वुडन बी गॉट डेड वियरिंग शूज लाइक दैट, दे आर सो ओल्ड फैशन। तो इस सेंस में हम जो है इसका यूज करते हैं। तो ये थे भाई आपके दा हिंदू से कुछ इम्पॉर्टेंट एडियम्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा लेक्चर। थैंक यू।